नेक्स्ट अब हम आपको बता देते हैं माउस की सेटिंग का। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आपका माउस नॉर्मल ही वर्क कर रहा है। अगर किसी ने सेटिंग चेंज कर दी कि माउस की कुछ ऐसी सेटिंग कर दी कि आप थोड़ा सा इसको खिसकाते हैं तो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है, या फिर बहुत स्लो कर दिया उसको, तो उसकी सेटिंग आपको सही करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है डेस्कटॉप पर कंट्रोल करना, ये दिख रहा है आपको किसमें जाना है कंट्रोल करना, लेकिन जरूरी नहीं है आपको डेस्कटॉप पर मिले। तब आप क्या करेंगे, स्टार्ट पर जाएंगे, यहाँ से आप सर्च कर लेंगे कंट्रोल पेन, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपको डेस्कटॉप पर ही मिल जाता है तब आप इस पर जा सकते हैं, या फिर जब आप राइट क्लिक करते हैं आप पर्सनलाइज पर जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल पैनल हो, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अभी हम यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन, ठीक है, अब अपन ने जैसे ही डबल क्लिक किया आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई भी चेंजेस करते हो तो कहाँ से करते हो, सेटिंग से करते हो, तो यहाँ पर भी ये एक तरह से मान लीजिए कंप्यूटर की ऑल सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या करता है, आपके पूरे कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस आप लगाते हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, डिवाइसेस और उसके अलावा हर एक चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हो सकता है ये आपको इस तरह से दिखे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है माउस, ठीक है, नहीं दिखेगा तब भी आप क्या करोगे, जैसे कि छोटे छोटे आइकन सब नहीं मिल रहा तब आप एम दबाओगे, माउस किस से स्टार्ट हुआ, एम से, आप एम प्रेस करोगे, एम से मेल भी आता है तो उसने पहले मेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर अपन एक बार और एम सिलेक्ट कर लिया उसने माउस, तो यहाँ पर इस तरह से शो करा, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो रहा है, और हो सकता है ये आपको इस तरह से शो करा तब आपको नहीं दिखेगा, तब आप क्या करोगे, अगर आपने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया तो आप यहाँ पर देखोगे व्यू बार कैटेगरी पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको लार्ज आइकन्स में लेना है या स्मॉल आइकन्स में लेना है। अगर आप लार्ज आइकन्स पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ये लार्ज आइकन्स मतलब बड़े आइकन्स में आता है, और अगर आपने यहाँ से कर दिया स्मॉल आइकन तो ये छोटे छोटे में आया, ठीक है, और अगर आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो क्या होता है ये कैटेगरी में आता है, मतलब अलग अलग चीजें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वैसे तो नॉर्मली आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आपको इस तरह से मिलता है तब आप यहाँ से कैटेगरी पर जाओ, यहाँ से आपको लार्ज करना है तो लार्ज करो, स्मॉल करना है तो स्मॉल करो, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे क्या माउस, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे आप कहीं पे भी जाते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे माउस पॉइंटर लेकर गए, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप माउस पॉइंटर लेकर जाते हो तो आप देखते हो माउस पॉइंटर चेंज होता है, नहीं होता, जैसा है जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर है, ठीक है, इसका मतलब रहता है कि आपको उसको क्या करना है डबल क्लिक करके ओपन करना है, लेकिन अगर आपको कहीं पर हैंड टूल बने बना हुआ दिखे, जैसे कि इन पे दिख रहा हैंड टूल का है, हैंड टूल का मतलब रहता है कि आपको सिर्फ ओनली एक बार क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक करना, जैसे कि अपन ने यहाँ से माउस पर जाकर एक बार क्लिक किया तो ये खुल रहा है, डबल क्लिक आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट मिलता है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, प्राइमरी यानी कि जो अपन पहले यूज करते हैं, प्राइमरी कहलाती है मतलब जो मेन चीज होती है, सेकेंडरी मतलब बाद में, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखते हैं कि आपके माउस में दो क्लिक होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, जो नॉर्मली अपन यूज करते हैं क्लिक बोलते हैं उसको, उसका यू उसको बोलते हैं अपन प्राइमरी, और सेकेंडरी जो राइट क्लिक होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी। यहाँ पर ये जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो रहता है उल्टा हाथ काम करता है, आप पर इस हाथ से पकड़ रहा है तो अपने लिए नॉर्मल क्लिक यानी कि क्लिक कौन सी है ये वाली, राइट क्लिक कौन सी है ये वाली, लेकिन अगर किसी का ये वाला हाथ काम करता है मतलब ये वाला कम काम करता है, लेफ्ट ही होते हैं तो वो इस साइड पकड़ेंगे, तो उनके लिए लेफ्ट राइट बन गए, राइट लेफ्ट बन गए, उल्टा हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपकी इस वाली की का काम ये वाली करेगी और इस वाली की का काम ये वाली करेगी, ठीक है, आ रहा है समझ। अब आप देखिए हमने इस पे क्लिक कर दिया, हम क्लिक हटाना चाह रहे, नहीं हटा, क्यों, क्योंकि चेंज हो गई है, अगर हमें अब इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्लिक हो गया, और अब हमें इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आ रहा है, लेकिन आप इसको अगर अप्लाई कर दीजिए, देखिए हमें आप अप्लाई कर रहे, नहीं हो रहा है क्योंकि की चेंज हो चुका है, अगर कोई साथ से पकड़ेगा तो उसके लिए तो सही है, लेकिन अपने क्या होगा उल्टी होगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी हम इस पे से क्लिक हटा देते हैं। एक चीज और हम आपको पहले बता देते हैं, आप यहाँ पे सेटिंग मतलब जो हम आपको बता रहे हैं करके देख लेना, रिवीजन करके, फिर
वापस आप ऐसे ही कर देना, अगर आपसे नहीं होता तो आप टीचर को बोल देना, वो वापस वैसे ही कर देना। अगर आप ऐसे कर देंगे आपको भी प्रॉब्लम आएगी, बाकी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलता है डबल क्लिक स्पीड। जैसे कि आप किसी फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, जल्दी जल्दी क्लिक करते हैं, किसी किसी स्टूडेंट से जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनको उनसे नहीं हो पाता, तब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्पीड स्लो कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए फास्ट है और फास्ट हम कर देते हैं, अप्लाई करेंगे इसको मिनिमाइज करना। अगर हमें कुछ खोलना है तो हमने जैसे इस पे किया डबल क्लिक, जल्दी जल्दी किया, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा। हमने बस क्लिक किया, थोड़ी सी देर बाद डबल से क्लिक किया, नहीं ओपन हुआ। हम बहुत ही ज्यादा स्पीड लिए इस तरह से करेंगे तुरंत कर देंगे, तब जाकर वो ओपन। लेकिन हमने यहाँ से स्पीड क्या कर दी इसकी, स्लो कर दी और अप्लाई कर दी। अगर आप फास्ट करोगे तब भी ओपन हो जाएगा, और धीरे करोगे तब भी ओपन हो जाएगा। जैसे हमने एक बार क्लिक किया और थोड़ी देर बाद और क्लिक कर, हो गया। लेकिन हमने पहले फास्ट कर दिया था तो क्या हुआ था कि एकदम ही नहीं, हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हमने 1 सेकंड भी यहाँ पर ब्रेक नहीं लिया, मतलब यहाँ पे क्लिक करके 1 सेकंड रुक गया और फिर क्लिक किया, तो क्या होगा, नहीं खुलेगा। अभी हमने स्लो कर दिया, तो आप जल्दी जल्दी करोगे तब भी खुल जाएगा, और यहाँ से क्लिक करके फिर से क्लिक करोगे तब भी खुल जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे करोगे तब भी खुल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डबल क्लिक की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। अपन इसको भी नॉर्मली रख लेते हैं मीडियम, ठीक है। मीडियम करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपने एकदम स्लो कर दिया तो ज्यादा देर के लिए आप कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से कर दिया मीडियम, मीडियम में क्या होगा कि थोड़ी सी देर में आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ी देर कर दिया फिर थोड़ी सी देर कर दिया, इस तरह आ जाएगा, आया था इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलता है टर्न ऑन क्लिक लॉक। इस ऑप्शन से क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर हम ये कोई भी चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये चीज सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है सिलेक्ट करने में, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप क्लिक लॉक स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं छूट गया, ठीक है। हम यहाँ पे किसी भी चीज को उठाकर यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला सॉफ्टवेयर क्लिक किया और उठाकर हम मूव करना छोड़ दिया तो वो यहाँ पर छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, कौन सा, टर्न ऑन क्लिक लॉक, आपने इस पर क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया, अब आप यहाँ पे देखेंगे हमने क्लिक किया और इसको इस तरह से छोड़ दिया। हमने अब क्लिक को छोड़ भी दिया है लेकिन ये क्लिक नहीं हटा, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया था जो जगह वो नहीं। अगर हम यहाँ से सेलेक्ट कर, मतलब इस तरह से हम आगे बढ़ते भी जाएंगे तब भी ये क्या होगा, नहीं हटेगा। कब हटेगी, जब हम एक जगह पर जाकर क्लिक करते हैं। इसी तरह से पहले हमने इस वाले सॉफ्टवेयर को उठाया था, उठा के और हमने थोड़ा सा इसको ड्रैग किया, मतलब क्लिक करे रह गए, हमने क्लिक को छोड़ा नहीं और ड्रैग किया। आप देख रहे हैं इसी से चिपक गया। आप जैसे ही कहाँ रखना चाहते हो उस जगह पर जाकर क्लिक कर दो, अब ये लास्ट जगह है इसलिए वो यहाँ पर जाकर रुक गया है। बाकी आप जब तक इसको क्लिक नहीं करोगे ये इस तरह से नहीं छोड़ेगा, इसको पकड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मूव करते हो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो और इसको मूव करते हो, देखो हमने थोड़ी देर क्लिक को दबा के रखा, होल्ड करके रखा और हमने यहाँ छोड़ दिया, ये देखिए इससे चिपक गया। 1 मिनट और चाहिए, ठीक है, इस तरह से चिपक गया बस। अब आप बाहर क्लिक करेंगे हट जाए, अब आप क्या करोगे, इसको हटा कर और रोक के कर देना। अब आप